हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक विद भावना। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं दाल के चीले। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे घर में दाल बच जाती है और हमें समझ नहीं आता कि हम उसका कैसे वापस उपयोग करें, तो हमें वो फेंकनी पड़ती है। तो आप बिल्कुल ऐसा ना करें। आज मैं आपके सामने जो रेसिपी लाई हूँ, तो उसके बाद तो आप बिल्कुल भी दाल नहीं फेंकेंगे, क्योंकि आपको वो बहुत पसंद आने वाली है। आज हम बना रहे हैं लेफ्ट ओवर दाल के चीले, यानी कि बची हुई दाल के चीले बनाएंगे हम, जिसे आप कभी भी नाश्ते में या इवनिंग टाइम टी के साथ आप उसे एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। और उससे पहले, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएंगे। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो फिर दाल के चीले बनाने के लिए हमें जिन जिन सामग्री की जरूरत है वो हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर एक कप दाल ले ली है हमने, और उसके बाद यहाँ पर एक मीडियम साइज का प्याज बारीक काट के ले लिया है। यहाँ पर हमने 4 टेबलस्पून बेसन लिया है, और एक हरी मिर्च बारीक काट के ले ली है यहाँ पे, और 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया ले लिया है हमने। और उसके बाद कुछ मसाले ले लिए हैं हमने यहाँ पे, जैसे आधा छोटी चम्मच हमने नमक ले लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए। आधी छोटी चम्मच यहाँ लाल मिर्च पाउडर लिया है, और यहाँ पर आधी छोटी चम्मच हमने अजवाइन लिया है। ये बहुत जरूरी है इसमें डालना, क्योंकि हम इसमें बेसन यूज करेंगे और लेफ्ट ओवर दाल है हमारी। और आधी छोटी चम्मच ही यहाँ पर हमने जीरा पाउडर ले लिया है, और 1 पिंच हींग ले ली है। यहाँ ऑयल ले लिया है हमने, ये हमें चीले सेकने के लिए चाहिएगा। तो चलिए अभी हम चीला बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले हम बैटर तैयार कर लेते हैं उसका। तो यहाँ पर दाल में अभी हम मसाले डाल देते हैं जो हमने लिए हैं। सारे मसाले डाल देते हैं इसमें, और धनिया पत्ती जो हमने लिया था वो भी इसमें डाल देते हैं। यहाँ पर जो हरी मिर्च हमने ली थी वो भी डाल देते हैं। यदि आप हरी मिर्च पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे स्किप करें। यहाँ जो हमने बेसन लिया था वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, और जो प्याज हमने लिया है वो भी डाल देते हैं इसमें, और एक गाढ़ा घोल हम तैयार करेंगे इसका। अच्छे से मिक्स कर लें आप इसे। बचा हुआ बेसन भी अभी हम इसमें मिला लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमने सारी सामग्री हमारे बैटर में मिला ली है और अच्छे से सब कुछ मिक्स कर लिया है। तो अभी ये बैटर बिल्कुल तैयार है, लेकिन अभी ये थोड़ा सा हमें गाढ़ा लग रहा है, तो अभी हम इसमें 1 चम्मच पानी मिला देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। आप बेसन की क्वांटिटी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। आपके पास दाल यदि पतली है या गाढ़ी है, जैसी है उसकी कंसिस्टेंसी, आप उसको देख करके उसमें बेसन डालिए। बस अभी ये बिल्कुल ठीक है, और अभी हम इसके चीले बनाते हैं। दाल के चीले बनाने के लिए यहाँ हमें एक नॉनस्टिक तवा ले लेना है, उस पर हम चीले बनाएंगे। अभी हमने गैस ऑन कर दिया है, और तवा हमारा हल्का गर्म हो जाए फिर हम इस पर बैटर डालेंगे हमारा। फ्रेंड्स, हमारा तवा हल्का गर्म हो चुका है, अभी हम एक स्पून से इसमें बैटर डाल देते हैं हमारा चीले का, और इसे फैला लें गोलाई में, और बहुत ज्यादा पतला ना करें इसे। बस इतना ही फैलाना है अभी हमें इसे। अभी हम फ्लेम हाई कर देते हैं गैस की, और इसके चारों तरफ ऑयल लगा देते हैं, और अभी हम इसे एक तरफ से सेक लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमारा चीला एक तरफ से अच्छे से सिक गया है, तो अभी हम इसे दूसरी तरफ से सेकेंगे। इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा दें आप, और अभी हम इसे पलट देते हैं। बहुत ही सावधानी से पलटें आप। ये देखिए कितना अच्छे से हमारा एक तरफ से सिक गया है ये। अभी हम दूसरी तरफ से इसे सेक लेते हैं, और अभी इस तरफ भी हम हल्का सा ऑयल लगा देंगे। बहुत कम ऑयल में आप इसे बना सकते हैं, और ये बहुत टेस्टी बनता है। और यदि आपका चीला बिखरता है तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आप थोड़ा सा बेसन उसमें और मिला लें,
तो बहुत अच्छे से बनेगा वो। फ्रेंड्स अभी हम देख लेते हैं कि हमारा दूसरी तरफ से भी चीला कुक हुआ है कि नहीं। तो ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से कुक हो चुका है, तो अभी हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने इसमें प्लेट में निकाल लिया है और बहुत अच्छे से हमारा चीला बना है। अभी हम दूसरा चीला बना लेते हैं इस पे। फिर से आप बैटर डालिए और उसे गोल गोल इस तरह से फैला लीजिए। बहुत ज्यादा पतला हमें नहीं करना है, नहीं तो हमारा चीला अच्छे से नहीं बनेगा, वो टूट जाएगा। थोड़ा मोटा ही हमें रखना है क्योंकि हमने इसमें दाल का प्रयोग किया है, इसलिए बस ये बिल्कुल तैयार है। बस हमें इतना ही बनाना है इसे। फ्रेंड्स हमारा दूसरा चीला भी बनके बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से हम सारे चीले बना के तैयार करेंगे। अभी इसे भी हम प्लेट में ले लेते हैं। हमारे गर्मा गर्म बची हुई दाल के चीले बिल्कुल तैयार हैं। आप इसे चटनी के साथ या सॉस के साथ गर्मा गर्म सर्व करें, ये बहुत टेस्टी बनते हैं और आप इसे घर में जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएंगे। और यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप प्लीज लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ।